जय हिंद दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम रूट पे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 12th का जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों आप सबके लिए। दोस्तों एकदम बहुत जो एग्जाम में एकदम आएगा, मतलब एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाला हम क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, एकदम 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 एग्जाम में आएगा। आप उसका टेंशन मत लीजिए, जितना हम बता रहे हैं दोस्तों उतना ही बस आप पढ़ के जाएंगे, कंफर्म है आपके एग्जाम में एक भी मार्क्स आपका नहीं छूटेगा। दोस्तों जैसा कि हम आपको बताएं, कक्षा 12 क्या, कक्षा 12 का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन सा? कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि आप लोग को एक एक मार्क्स का, मतलब एक एक नंबर का चार क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी में। क्या आता है? बहुविकल्पी, जो आपका पहला ही क्वेश्चन रहता है बहुविकल्पी में। 1 × 4 बोले तो 1 × 4 = 4, हमको चार नंबर दोस्त अभी इसमें बहुविकल्पी में कंप्लीट करना है, उसके बाद अति लघु उत्तरी भी हमको कंप्लीट करना है। चलिए, अगर जैसा कि हम आप लोग को बता दें दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक आगे चलते हैं। चलिए, मुकुलन द्वारा जनन होता है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 2007, 2020 और 2021 में दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मुकुलन द्वारा जनन होता है किसमें होता है दोस्तों? ए अमीबा में, बी युगलीना में, सी यीस्ट में, डी सभी में। डी सभी में। चलिए दोस्तों, इसका हम आंसर फटाफट बताते हैं। हमारा क्या होगा आंसर? सी ईस्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? ईस्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि ये 2007, 20, 21 में आया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। किसका? क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया होती है नंबर ए शैवालों में, नंबर बी ब्रायोफाइटस में, नंबर सी अनावृत्ति बीजी में और नंबर डी आवृत्त बीजी में। दोस्तों इसका एकदम सेम सटीक आंसर होता क्या हमारा? आवृत्त बीजी में। दोस्तों एग्जाम एकदम पॉइंट एकदम कंफर्म आएगा, कंफर्म है आपके एग्जाम में। एग्जाम खोपड़ी में ये क्वेश्चन छेद करने वाले हैं, जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं दोस्तों, आप इसमें टेंशन मत लीजिएगा। जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ के जाइए, कंफर्म है आपके एग्जाम में। ना फंसे तो बताइएगा कि सर ना फंसा है, ठीक। ये देख पा रहे हैं 2008, 14, 16, 19 दो तो एकदम चुन चुन के हम क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो को छोड़िएगा मत, स्किप मत करिएगा। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है इसको हम देखते हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं? तो नंबर ए राम उदार, नंबर बी बी एन प्रसाद, नंबर सी पी एन मेहरा, नंबर डी पी महेश्वरी। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पी महेश्वरी। पी महेश्वरी जी ने भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। कौन? पी महेश्वरी जी। अगर हम चलें अब क्वेश्चन नंबर फोर की दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे आपका 2014, 17, 19 में आ चुका है, ठीक। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप सबके लिए एग्जाम पॉइंट से, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। साल्विया में परागण होता है। साल्विया में कौन सा परागण होता है दोस्तों? नंबर ए जल द्वारा, नंबर बी वायु द्वारा, नंबर सी कीट द्वारा, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को हम बताएं कि साल्विया जो हमारा होता है उसमें कीट द्वारा होता है। कीटे आके इसमें बैठते हैं और हमारा होने लगता है। फिर अब हम चलें क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्या? स्त्री में निषेचन होता है। स्त्री में कौन सा निषेचन होता है दोस्तों? नंबर ए गर्भाशय में, नंबर बी योनि में, नंबर डी अंडवाहिनी में, नंबर सी अंडाशय में। दोस्तों एकदम आपको बता दें कि इनका जो होता है गर्भाशय में नहीं होता है, योनि में नहीं होता है और अंडाशय में नहीं होता। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, अंडवाहिनी में। आप लोग को बता दें कि ये 15, 16, 18, 20, 21 दोस्तों आप अगर इसको देखेंगे, आप वेबसाइट पर जाएंगे इसमें कंफर्म है कि लिखा रहेगा एकदम। ये हम वेबसाइट से क्वेश्चन उठाए दोस्तों एकदम। आप देखेंगे 15, 16, 18, 20, 21 में क्वेश्चन आ चुका है, जो आप लोग के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। जैसे कि आप लोग को बता दें दोस्तों कि अगर आपको चैनल पे जो ये प्रोवाइड किया जा रहा है वो अगर अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। दोस्तों क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स? संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? अब दोस्तों ये पहनने वाला जीन्स तो है नहीं, आप जानते हैं कि ये हमारा जो डीएनए वाला जीन होता है उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर ए जो हमारा है ये 25% होता है, और जो हमारा बी वाला ये क्या है 25% से अधिक होता है, जो हमारा सी होता है ये हमारा क्या होता है 50% होता है, और जो हमारा डी है ये क्या है 100%। दोस्तों कि हम आपको बता दें कि जो हम लोग को जिन मिलता है, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, 50% हमारे माँ से मिलते हैं और 50% हमारे पिता से मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। लेकिन हम आप लोग को बता दें दोस्तों, जब आप अगर इंटर के बाद कोई कंपटीशन में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं IIT वगैरह में जाएंगे, या तो आप
आईटी में तो नहीं दोस्तों, अगर आप नीट वगैरह में जाएंगे तो इसमें आपको ऑप्शन देता है कि आप 50% से एबव, तो उसमें 50% ना देगा, सॉरी 20% से एबव देता है, क्वेश्चन क्या देगा 20% से एबव, तो उसमें आप भूलिएगा मत, ये चाहे 50% दे या ना दे लेकिन आपको 25% से एबव दोस्तों जरूर देता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, कहां क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, मानव के एबीओ ब्लड ग्रुप, मानव के एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने जीन प्रारूप होते हैं, तो दोस्तों कितने जीन प्रारूप होते हैं, 6 होते हैं, कौन सा 6 होते हैं, कितने होते हैं 6 होते हैं दोस्तों, एकदम 20, 21, 22 में क्वेश्चन आ चुका है, किसमें किसमें आया है 20, 21, 22 में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। अगर हम बात करें 8 नंबर, जो हमारा क्या होता है डीएनए, डीएनए का व्यास होता है क्या होता है, डीएनए का व्यास कितना होता है, तो दोस्तों हम आपको बता दें डीएनए का व्यास क्या होता है हमारा 20 एंगस्ट्राम होता है, कितना होता है 20 एंगस्ट्राम दोस्तों। इसमें डीएनए का फुल फॉर्म पूछता है आपसे, क्या पूछता है डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है डाई ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड दोस्तों ये होता है, तो डीएनए का जो हमारा व्यास होता है 20 एंगस्ट्राम होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो दोनों एक दो एक जीन और दोनों जीन के बीच की जो दूरियां होती है 3.4 एंगस्ट्राम होती है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, चिड़िया के पंख तथा घोड़े की अगली टांगे दर्शाती हैं, तो चिड़िया के पंख और घोड़े की अगली टांग किसको दर्शाती हैं, तो दोस्तों नंबर ए समानता को, नंबर बी समजातता को, नंबर बी ए और बी दोनों को, नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये समानता तो होने सकती, क्योंकि किसी का पंख और किसी के घोड़े की अगली की टांग तो कभी हो ना सकती कि समान हो, लेकिन दोस्तों ये समान जाति के हो सकते हैं, इसमें दिया समजातता। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों हमारा क्या होता है एड्स दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों एड्स दिवस हमारा कब मनाया जाता है, नंबर ए 1 मई, नंबर दो 1 दिसंबर, नंबर सी 1 मार्च, नंबर डी 10 मार्च। दोस्तों हम आपको बताएं 10 दिसंबर, इसमें हम बताएं एकदम सिंपल क्वेश्चन हमारा क्या है, बी वाला आंसर एकदम सेम होगा, क्या होगा 1 दिसंबर को। लेकिन दोस्तों अगर हम बताएं 10 दिसंबर को क्या होता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये आपका नहीं होगा, आपका होगा क्या बी वाला आंसर एकदम सही होगा। चलिए दोस्तों अब हमारा ये तो टोटल कंप्लीट होंगे कितने 10 क्वेश्चन हमने अति लघु सॉरी बहुविकल्पी हमने कर लिया, लेकिन दोस्तों अब हम तो ये हमारा 4 नंबर तो कंप्लीट हो गया है, अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमको करना अति लघु उत्तरी प्रश्न, क्या अति लघु उत्तरी प्रश्न, चलिए दोस्तों अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका 1 नंबर का आता है, 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, टोटल हमको 5 मार्क्स अभी तुरंत मिल जाएगा दोस्तों, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जो हम बता रहे हैं वही आप पढ़ के जाइए, कंफर्म है एकदम एग्जाम में वही छपेगा दोस्तों, आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, क्योंकि ये पूरा आप देखेंगे इसमें डेट दे रखा है कि किस किस वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, विषाणु जनित 4 रोगों के नाम बताइए, दोस्तों ये क्या होता है कि विषाणु से उत्पन्न रोग कौन कौन से होते हैं, तो हमारा क्या था चेचक, पोलियो, रेबीज, एड्स, जुकाम, दोस्तों ये तो हमारा हो गया, लेकिन हम आप लोग को बताएं अगर इसका ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट करिए कि सर इसका हमको ट्रिक चाहिए, विषाणु का, जीवाणु का, ये वगैरह वगैरह का जो ट्रिक होता है हम आपको बताएंगे, इसका हम ट्रिक आपको बता दें कि एडे पोइचे छोग खटरा हिम खरे, इससे इसमें क्या होता है कि विषाणु जनित रोग होते हैं, आपको भी समझ नहीं आया होगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा तो इसका हम वीडियो बना देंगे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मधुमक्खियों द्वारा निर्मित किए जाने वाले 2 उत्पादों को लिखिए, मतलब मधुमक्खी किसको किसको बनाती है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये 2012, 14, 15, 18, 20, 22 में पूछा गया है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कंफर्म एग्जाम में आने वाला है, कंफर्म एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा मोम और शहद, आपको सबको पता होता कि शहद तो बनाती ही है, इसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन शहद में आपको बता दें जानकारी के लिए कि शहद में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, हम ये सपोज करते हैं। चलिए दोस्तों हमारा क्या था मोम और शहद था, तो आपको सबको पता था कि शहद होता है लेकिन मोम आपको नहीं पता होगा, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ दोस्तों, किण्वन उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए, मतलब किण्वन में कौन सा प्रयोग किया जाता है, दोस्तों हम आपको बता दें किण्वन का मतलब क्या होता है, अगर इसे उसमें किसी चीज को सड़ा देना, कहने का मतलब सड़ाना ही क्या होता है किण्वन प्रोसेस में पढ़ा जाता है, ठीक। इसमें हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं, किसका ईस्ट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों ईस्ट का हम प्रयोग करते हैं, ईस्ट को क्या बोलते हैं सैक्रोमाइनाइजीस, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या बोलता है, बायोगैस के घटकों के नाम लिखिए, बायोगैस के घटक कौन कौन से होते हैं, तो हम आपको बता दें बायोगैस में सबसे पहले तो एकदम छठा छठा क्वेश्चन जो आता है ये क्या होता है, इसको बोला जाता है CH4, CH4 को हम क्या बोलते हैं मेथेन भी बोलते हैं, CO2 हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा H2 होता है, ठीक। आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ये 2008 और 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है,
फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार होता है। तो दोस्तों कहाँ होता है फास्फोरस? चट्टानों में होता है। कहाँ होता है? चट्टानों में होता है। इसका हमारा आंसर देख पा रहे होंगे, आपको चट्टानों में दिख रहा होगा। तो ये आपका हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2020 21 22 में पूछा गया है, तो आप इसको पढ़ना ना भूलें। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये आपके कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। देखेंगे ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? पर्यावरण दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को दोस्तों मनाया जाता है। ठीक, अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो दोस्तों ये आप देखेंगे बहुत ही क्वेश्चन, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है और उत्तर प्रदेश के एग्जाम में उत्तर प्रदेश का नाम पूछे, ये हो ना सकता है। तो उसका आपको देखेंगे 7 में पूछा गया, 10 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 20 में पूछा गया। दोस्तों कंटिन्यू पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ दोस्तों। बीओडी का पूरा नाम लिखिए। बीओडी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? बीओडी का पूरा नाम लिखिए। शुद्ध पीने योग्य जल के लिए बीओडी का मान क्या होता है? तो अगर बोले बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है दोस्तों। और जो बीओडी का मान होता है पीने के लिए, जो शुद्ध मान होता है उसका क्या होता है? 1 ppm होता है दोस्तों। क्या होता है? 1 ppm होता है। अब हम चले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? दो वायु प्रदूषक गैसों के नाम लिखिए। दो वायु प्रदूषक गैस के नाम लिखिए। तो हमारा नंबर फर्स्ट हो जाएगा SO2, नंबर 2 हो जाएगा NO2। SO2 और NO2 क्या होते हैं? वायु प्रदूषक गैस होते हैं। आपको पता होगा कि हमारा NO2 भी बहुत डिस्टर्ब करता है और SO2 भी हमको बहुत डिस्टर्ब करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ध्वनि प्रदूषक को मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषक को दोस्तों किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। किससे मापा जाता है दोस्तों? डेसिबल में मापा जाता है। ठीक, अब दोस्तों हमारा ये टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगर ये चैनल हमारा अच्छा लगा हो, जो हम बताएं समझ में आया हो, समझ में आता रहा हो, तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।